गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुस्कान, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ केश किंग ऑयल को कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या केश किंग ऑयल यूज़ करने से बाल झड़ते हैं और केश किंग ऑयल को किस तरीके से यूज़ करें कि हमारे जो हेयर ग्रोथ दो गुना तेज़ी से होने लगे। तो सबसे पहले बता दो, ये केश किंग ऑयल है एंड जो भी आप लोग ने यूज़ किया होगा, जिन लोगों ने भी, तो वो इस वीडियो से ज़रूर रिलेट करेंगे। एंड अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट होगा इस ऑयल से लेके, तो मैं कोशिश करूँगी कि सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँ आज की वीडियो में। एंड अदरवाइज़ अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो प्लास्टिक बॉटल में ये आता है, यहाँ से फ्लिप फ्लॉप आप इसको ओपनिंग कर सकते हो, यहाँ से हमारा जो ऑयल है वो बाहर आता है। कई सारे लोग इसको यूज़ करते होंगे एंड अभी भी यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको ये अच्छे से रिजल्ट नहीं दिखा रहा होगा। आपने कई महीनों तक इसको यूज़ किया होगा बट आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। आप सोच रहे होगे कि अरे मैं तो इतने लंबे समय से इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे कोई भी फ़र्क क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। मैंने भी इसको यूज़ किया है एंड बहुत लंबे समय तक यूज़ किया है। इनफैक्ट मेरे कई फैमिली मेम्बर्स जो इसको यूज़ करते हैं एंड बहुत अच्छा उन्हें असर भी लगता है। बट आप लोग यूज़ करते समय कौन सी गलती करते हो वो मैं आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि इस ऑयल को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि आपके हेयर ग्रोथ हो न्यू तरीके से। तो आप लोग क्या करते हैं, जब इस ऑयल को यूज़ करते हो तो आप लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस ऑयल को अप्लाई करने लगते हो अपने बालों के अंदर। ये सोचते हो कि ये आयुर्वेदिक ऑयल है, कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा और इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां डली है, तो हम जितने अमाउंट में अपने हेयर में इसको अप्लाई करेंगे हमारे लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर बहुत लंबे समय से आप इस ऑयल को यूज़ कर रहे हो और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में आप इसको यूज़ करते हो और आपको अब बिल्कुल ही हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगा और बिल्कुल ही हेयर ग्रोथ होना रुक चुका है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि आपने क्या किया था, शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा अमाउंट लेके इस ऑयल को अपने हेयर्स में लगाने लगे थे। क्योंकि हो सकता है, मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि जब हमारे हेयर फॉल होने लगता है तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और कुछ एक ऐसा चीज़ दिख जाए कि हाँ इस ऑयल को, इस शैम्पू को यूज़ करने से हमारे हेयर फॉल रुक सकते हैं, तो हम पैसों की चिंता ना करते हुए भर भर के उस प्रोडक्ट को लगाने लगते हैं और जो कि वही चीज़ आगे चल के हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर हम इस ऑयल के बारे में बात करें कि क्या ये ऑयल सच में हेयर फॉल को कंट्रोल करने में एंड न्यू हेयर ग्रोथ को करने में हमारे वर्क करता है या फिर नहीं, तो एक ऑयल को बनाने के पीछे सबसे मेन इंग्रेडिएंट होती है। तो इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके अंदर बेसिक इंग्रेडिएंट आपको भृंगराज, ब्राह्मी, आंवला, मेथी, तुलसी, इस टाइप के बहुत सारे इंग्रेडिएंट देखने को मिल जाएंगे। लिस्ट में साइड में लगा दूंगी, एक बार आप खुद कंफर्म करना कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डले हैं क्या वो बेस्ट है हमारे बालों के लिए। अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हमारे बालों के लिए। अगर आपको कोई भी इंग्रेडिएंट को लेके कोई भी डाउट हो तो गूगल पे जाके आप सर्च करना कि क्या ये हमारे बालों के लिए अच्छा है, तो आपको रिजल्ट खुद पता चल जाएगा। तो इंग्रेडिएंट बेस पे ये ऑयल काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, बट फिर भी हमारे बालों में फ़र्क क्यों नहीं नज़र आता है, ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अपने बालों में ऑयल लगाने की वजह से जो आपके हेयर के पोर्स होते हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं एंड धीरे धीरे करके वो बंद होने लगते हैं, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल बंद हो जाता है एंड आपके बालों को ऑक्सीजन, आपके हेयर को, रूट को, स्कैल्प को ऑक्सीजन मिलना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। अब सेकंड बात यह है कि जब आप शैम्पू करते हो तो आप क्या करते हो, शैम्पू करने से पहले ऑयलिंग अपने बालों में नहीं करते हो एंड शैम्पू करने के बाद अपने बालों में ऑयल लगाते हो और 2-3 दिन तक अपने बालों में इसी तरह ऑयल लगा हुआ छोड़ देते हो। जब 2-3 दिन तक हमारे बालों में ऑयल रहता है, आप इस दौरान बाहर भी जाते होगे शॉपिंग करने, मंडी मार्केट कहीं भी आप जाते हो या आप बाहर कॉन्टैक्ट में जाते हो एयर के, तो उससे क्या होता है, छोटे छोटे जो डस्ट होते हैं वो हमारे स्कैल्प में, हमारे बालों में आके बैठ जाते हैं, जो कि हमें अपने आंखों से दिखाई नहीं देता बट ये ऐसा होता है। हमारे बालों में गंदगी जमती जाती है, धूल मिट्टी जमते जाते हैं और बहुत जो हमारे स्कैल्प के ऊपर एक लेयरिंग हो जाती है, एक परत सी जम जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो पोर्स है, जहाँ से हमारा हेयर रूट होता है, जो बाल आते हैं बाहर, वो बिल्कुल ही क्लोज हो जाता है। जब बालों को अच्छी तरीके से पोषण नहीं मिलेगा, बहुत हमारे जो बाल है, जो रूट है उसका, जहाँ से हमारे जड़ है, वो जड़ ही मजबूत नहीं रहेंगे, सेफ नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, तो न्यू हेयर ग्रोथ कैसे होगा और जो आपके बाल झड़ रहे हैं वो झड़ना कैसे रुकेंगे। आपको हेयर वॉश करने का तो कभी ऑयलिंग करनी ही नहीं चाहिए। आपको मान लो कि नेक्स्ट डे कल आपको हेयर वॉश करना है, एक रात पहले अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग करें, अच्छे से मसाज करें, और मसाज करने के समय में आप क्या गलती करते हो, अपने नाखून से रगड़ने लगते हो, कस कस के चंपी करने लगते हो, जितना कस के चंपी करेंगे हमारा ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे अपने बालों को अच्छे तरीके से चंपी करना है, मसाज देना है कम से कम 5 मिनट तक, जितना देर तक दोगे उतना अच्छा है, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा, वो प्रोटीन मिलेगा जो हमारे बालों को चाहिए। जो
ऑयलिंग आपने की है वो अंदर एब्जॉर्ब होगा एंड जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो आपके बालों को मिलेगा तो जाके वो असर दिखाएगा। तो बस यही थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में रह गया हो या मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूँ। तो बस आई होप आप लोगों का जितना भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय गाइस।